मध्य अमेरिकन देश जिसका नाम है पनामा, आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ पनामा, मध्य अमेरिका और कैरिबियन आइसलैंड के अलावा दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्से को लैटिन अमेरिका कहा जाता है, जहाँ के लोग रोमांस भाषा बोलते हैं। पनामा देश को लैटिन अमेरिका के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। आज के वीडियो में पनामा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपके लिए काफी जरूरी है। दुनिया भर के लाखों लोग देश घूमने आते हैं। यहाँ का नेचर, शानदार शॉपिंग मॉल, पनामा कैनल और व्हाइट वाटर रैफ्टिंग का मजा इसी देश में मिल सकता है। यहाँ की आबादी 43 लाख है। देश का पूरा एरिया 75,420 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे देश इंडिया से 44 गुना छोटा है। एक छोटा देश होने के बावजूद भी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम करता है, जिसकी बॉर्डर कोलंबिया और कोस्टारिका से जुड़ी है। बाकी दोनों तरफ कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर दिखाई देता है। यहाँ का फेमस कैनल जिसका नाम है पनामा कैनल, इसे बनाया था फ्रांस देश ने। 1880 के दशक में एक फ्रांसीसी टीम ने कैनल बनाने का काम शुरू किया, लेकिन उन्हें इस काम में पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। साल 1904 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैनल का काम फिर से शुरू किया। 15 अगस्त 1914 को आधिकारिक तौर पर कैनल को खोला गया। 300 सालों तक देश में स्पेनिश साम्राज्य था। वहाँ से आज़ादी मिलने के बाद 3 नवंबर 1903 को देश कोलंबिया से आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलने के बावजूद भी संयुक्त अमेरिका पनामा को अपने राज्य का हिस्सा समझ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध शुरू से काफ़ी अच्छे है। देश में स्पेनिश भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि ये देश की आधिकारिक भाषा है। 15वीं सदी से पहले स्वदेशी पनामानियन भाषा के कुछ समूह मौजूद थे, लेकिन स्पेन के 300 साल के शासन की वजह से आज देश की 12% आबादी अपनी मूल भाषा का उपयोग करती है। आज पनामा एक स्वतंत्र देश होने के बावजूद भी यूएस करेंसी को अपनी ऑफिशियल करेंसी मानता है। 1904 से पहले पनामानियन बाल्बोआ यहाँ की ऑफिशियल करेंसी थी। आज देश का $1 इंडिया के 79 रुपए के बराबर है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन थे, लेकिन समुद्र में खोज करते हुए उन्होंने पनामा देश की खोज में 5 महीने बिताए, लेकिन उससे भी पहले होंडुरास, निकारगुआ और कोस्टारिका की खोज की। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी की चौथी और आखिरी यात्रा पनामा देश से गुजरती है। वैसे देश के जंगल काफी भयानक और डरावने माने जाते हैं। इन्हीं जंगलों में बिल्लियों की 5 प्रजातियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा तामारी नाम के एक बंदर की प्रजाति, जिसे दुनिया का सबसे छोटा बंदर कहा जाता है, जो कि पनामा और कोलंबिया में पाया जाता है। पनामा हर साल आजादी का दिन मनाता है, लेकिन एक नहीं दो बार। 28 नवंबर 1821 को स्पेन से आज़ादी मिली और 3 नवंबर 1903 को कोलंबिया से। देश का राजधानी शहर पनामा सिटी है, जो कि सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी 4 लाख है। इतिहास में पनामा रेलवे का कंस्ट्रक्शन और फ्रांस के प्रयास के बाद कैनल का काम अमेरिका ने पूरा किया था। कहा जाता है कि रेलवे का काम पूरा करते समय 12,000 लोगों की जाने गई और कैनल के निर्माण के दौरान 22,000 लोग मारे गए। यहाँ पर किसी दूसरे देश ने हमला नहीं किया था, बल्कि दो घातक बीमारी येलो फीवर और मलेरिया की वजह से। आज देश की इकोनॉमी में हर साल $1 बिलियन का फायदा कैनल की वजह से होता है। जितने भी लोग देश घूमने जाते हैं, उन्हें यहाँ पर पनामा हैट आसानी से मिल जाएगी, लेकिन इसे बनाने वाला देश इक्वाडोर है। कैनल के निर्माण के दौरान काफी बड़ी मात्रा में टोपी को लाया गया था। आगे जाके इस टोपी को पनामा हैट नाम से काफी फेमस किया। मैंने वीडियो में कई बार कैनल का जिक्र किया, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद सबसे पहले कौन सा जहाज था जो यहाँ से रवाना हो गया था? इसका जवाब है SS एनकॉन, एक अमेरिकी कार्गो और पैसेंजर शिप था। 15 अगस्त 1914 को इसे कैनल से भेजा गया था। इजिप्ट देश का नाम सुनने के बाद आंखों के सामने पिरामिड आ जाते हैं, लेकिन पिरामिड का इतिहास सिर्फ इसी देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देशों में पाया जाता है। लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों में पिरामिड पाए जाते हैं, लेकिन पनामा एक ऐसा देश है जहां पर इस सभ्यता के अवशेष काफ़ी कम पाए जाते हैं। दुनिया के कई सारे देशों में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पनामा के इतिहास में साल 1550 में होल्कान बारू ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, जो कि देश का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। होल्कान बारू जहाँ पर पाया जाता है, उस पर्वत का नाम होल्कान पर्वत है, जो कि देश का सबसे ऊँचा पर्वत है। आप इस पर्वत की ऊंचाई से एक ही समय में अटलांटिक और पैसिफिक महासागर को देख सकते हो।